वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दखणे महला पंजवा। बोल गुरु अर्जन देव साहिब दे ते दखणी बोली है। दखणी बोली विच गुरु पातशाह इस जीव स्त्री नू संबोधन करदे हन। आप जी कहंदे हन, कुरिए कुरिए वैदिया तल गाढ़ा महरैर। आप जी नू मैच करा, ये पंक्ति मैं फिर दोहरावां, लेकिन मीनिंग छेती समझ नहीं आया। कुरिए कुरिए वैदिया तल गाढ़ा महरैर। हुण कुरिए किसनों कहंदे ने, वैदिया किसनों कहंदे ने, क्योंकि एक हुंदा है वैद, एक हुंदा है वेद। ते वेद तो चार हन, ते वैद कहंदे ने जो आयुर्वेद दी सोझी रखता है वैद, पर उसनू पंजाबी दे विच वैद कहंदे ने, हिंदी विच वैद भी कहंदे ने। मेरा वैद गुरु गोबिंदा। पर जिहड़ा वैदिया शब्द है, इस तो मुराद है कि नदी दे किनारे किनारे तुरे जान वाले मुसाफिर। कुरिए कुरिए वैदिया, नदी दे कंडे कंडे तुरे जान वाले मुसाफिर। तेरे पैरों दे थले दी जिहड़ी जमीन है, वो पानी दे नाल कटी हुई है। असीं जिसनों कह दें कि जमीन थले तो खाली है, किधरे थोड़ा जिहा तेरा वजन पिया नहीं कि वो जमीन टह जाएगी, खिसक जाएगी और सीधा नदी विच जाके डिगेगा। थले गारा ही गारा है। कुरिए कुरिए वैदिया तल गाढ़ा महरैर। तेरे पैरों के थले बहुत कीचड़ है, मिट्टी कटी हुई है। वेखे छेटड़ थीव दो जाम खिसन दो पैर। जे तेरा पैर फिसल गया ते हिंदी विच जदों असीं पैर शब्द लिखते हैं ते दुलाम मात्रा होंदिया ने, दो लावा। पर इत्थे छंद दी चाल पूरी करन वास्ते दो मात्रावां नहीं हन, एको ही मात्रा लगाई है पैर, क्योंकि उधर महरेर इधर पैर, छंद दी चाल पूरी होवे। जे तुरदियां तुरदियां तेरा पैर फिसल गया ते उस कीचड़ दे विच जाके फसेगा। हुण कीचड़ किसनों आख्या है? आप जी रोज़ सोदर दा पाठ सुनते हो, जिहदे विच एक पंक्ति आउंदी है, पर जे किधरे उचारण ठीक नहीं होया गल समझ नहीं आएगी। हुण ये दोवें तरीके नाल मैं उचारण करना। कई दफ़ा उचारण करदे हन पंकज मोह पग नहीं चाले, शब्द का उचारण होया पंकज मोह पग नहीं चाले। दूजा उचारण है पंक जो
मोहो पग नहीं चाले। मैं फिर अर्ज करा, जे पंकज दे विच तीनों अखर पढ़ांगे, पंकज तीन अखरन, तो इसका भाव होया फुल। पंकज फुल नू कहंदे ने। और जे किधरे पंक नू वखरे पढ़ोगे, जो नू वखरो पढ़ोगे, तो पंक तो मुराद है कीचड़। तो साहिब कहंदे ने पंक इत्थे विश्राम देना है। पंक जो मोह, ये जो मोह रूपी कीचड़ है, पंक है, ये विच असी फसी जा रहे हैं, फसी जा रहे। पंक जो मोह रूपी जो कीचड़ है, पंक है, वो विच फसी जा रहे हैं। पर गुस्ताखी माफ, रोज़ पढ़ते हैं पंकज मोह पग नहीं चाले, शब्द का भाव ही बदल गया। तो जो मोह है ये पंक है, कीचड़ है, और इस कीचड़ दे विच जो फुल पैदा होया उसनों कहंदे ने पंकज। जो कीचड़ विच फुल पैदा होया है पंकज। तो किधरे ये तो नहीं कह सकते कि फुल रूपी कीचड़ विच तू फस ना जावी। जे पंकज पढ़ोगे तो फिर फुल मीनिंग होया, जे पंक पढ़ोगे तो फिर कीचड़। वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पैर, जे तेरा पैर फिसल गया तो फिर छिटे 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 छिटे। एक शराबी अपनी धुन विच जा रहा सी शराब पी के, क्योंकि उन्हां दी अपनी मस्ती होंदी। शराबी कई दफा की कहंदे ने, कहंदे ने थोड़ी थोड़ी पीण विच मजा नहीं आंदा। जदों तक डिग ना जाइए उदों तक मज़ा नहीं आता पीण दा। ते उदी गल ते मैनू बहुत गहरी एक शिक्षा मिली। वो तो भावें शराब की गल करदा पिया कि थोड़ी थोड़ी पीण विच मज़ा नहीं आता, जदों तक असी डिग ना जाइए उदों तक मज़ा नहीं आता। मैं क्या पुरखा, गल तेरी 100% ठीक है, 100%। बंदगी भी थोड़ी थोड़ी दे विच मजा नहीं आता, जदों तक डिगना पई है उदों तक गल नहीं बनती। क्योंकि एक शायर लिखता है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांकी धार। आप जी ने दरिया देखिया है, उदी धार किस तरह होंदी है, वो निमाण वल चलता है। तो खुसरो कहता है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांकी धार, जो उभरे उभरे कहते हैं बचना, जो उभरे सो डूब गए। और अगां चल के कहते हैं, जो डूबे सो पार। जो गुरु है एक ऐसा दरिया है कि जिहड़ा मनुख इस दरिया दे विच डुब गया वो पार हो गया। भाव इहदे विच आनंद लेना है, डुबकी मारनी है। किनारे किनारे ते नहीं बैठना कि गुरुद्वारे आए मत्था टेकिया और चले गए, मंदिर गए मत्था टेकिया घंटा खड़काया ते चले गए। एक किनारे किनारे ते सफर। जे जाना ही है तो फिर सागर की गहराई विच जाना, गहराई विच। और इसे करके गुरु नानक साहिब महाराज की खबर जदों दिती, भाई मरदाने ने कहन लगे नानक जी डुब गए, खबर ही दिती सी नानक जी डुब गए। हुण कुछ अर्थां दे विच भाई मरदाना तां बिल्कुल ठीक कह रहे ने, डुब गए, पर समझण वाले कुछ होर समझ रहे ने। क्योंकि कुछ अलंकार ऐसे होंदे ने कि कहना कुछ होवे उहदा मीनिंग कुछ होर निकलदा है अलंकार दे विच। जिवें एक मैं पंक्ति उचारण करां कि
एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। और अपर शब्द दे दो मीनिंग हो गए, देख कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। तो अपर दा एक भावता हो गया, दूजा किथे, और दूजा मीनिंग ए होया, देख कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। तो सीता कहंदे सी इहदे पर हन, पर अपर जिहदे पर ना हो। तुसी कहंदे सी इहदे पर नहीं हन, मैं पुछ रहा पर हन, पंख हन। तो एक शब्द दे कई कई अर्थ बनते ने अलंकार विच। ते उसनों समझना के सवाल की है, तो मैं अर्ज कर रहा सी कि जिहड़ा मनुख इस धार दे विच डुब गया वो पार हो गया, और जिहड़ा बचण की कोशिश करता है वह डुब गया। तो भाई साहब, भाई मरदाना जी कहंदे ने नानक जी डुब गए और कद निकले तीजे दिन। ये जो गाथा है ये बहुत गहरे अर्थ कट रही है। जदों कोई मनुख मरदा है तो असीं उहदियां अस्थियां तीजे दिन असीं इकट्ठी करदे हां। पिंडां दे विच कहंदे ने तीजा, शहरां विच असीं कहंदे हां चौथा। बेशक वह फुल असीं दूजे दिन इकट्ठे करदे पए हां, फिर भी चौथा ही कहंदे हां। पर चौथे दा भाव की है कि जिस दिन मरिया उस तो भाव संस्कार होया उस तो चौथे दिन। जा फिर जदों असीं उहदी अंतिम अरदास कीती एक महीने बाद, फिर असीं उस नूं कह देंदे हाँ बरसी। तो बरसी तो भाव की है। बरसी शब्द बनिया है वर्ष तो, ते इस नूं जांदे हुए एक साल हो गया है। एक साल हुण एक साल बाद उहदी बरसी मना रहे हां, उहदा वर्ष मना रहे हां कि अज दे दिन ये पूरा होया सी। पर साल किथे, हाले दो महीने भी नहीं होए, शब्द बरसी दा। फुल चुग रहे हाँ दूजे दिन, नाम दिता चौथा। चौथा पिंडां विच कहंदे ने तीजा। गुरु नानक साहिब महाराज तीजे दिन निकले, और इत्थे रस्म आउंदी है जदों तीजे दी ते अरदास करके फिर अस्थियां दा भी प्रवाह कर दिंदे ने। गल खत्म हो गई। भाव जो कुछ भी अवशेष बचे सी उन्हां दा भी संस्कार हो गया, उन्हां नूं भी जल प्रवाह कर दिता। हुण कुछ भी नहीं बचिया, उहदा ना उहदा तन बचिया, ना उहदे फुल बचे, ना उहदी राख बची। पूरन तौर ते हुण मिट गया, मर गया। गुरु नानक साहिब महाराज जदों तीजे दिन निकले हन, लोगों ने तां कह दिता सी गुरु नानक साहिब डुब गए, खत्म हो गए, किसी खाही दे विच किसी खड्डे विच फस गए ने, गल खत्म हो गई। पर जदों गुरु नानक साहिब तीजे दिन निकले हन, तो आप जी दी आवाज, वो आवाज जो निरंकारी आवाज, और पहली धुन की सी, कुछ विद्वान तो कहंदे ने कि मूल मंत्र दा उच्चारण उदों ही कीता सी। आप जी जे अज भी चले जाओ सुल्तानपुर, वेई नदी ते जिथे पावन अस्थान बनिया होया है उत्थे लिखिया होया है मूल मंत्र इत्थे उच्चारण कीता सी। इत्थे और इत्थे ही आप जी ने आख्या सी, ना को हिंदू ना मुसलमान।
तो फिर की है? कहने लगे अल्लाह राम के पिंड परान। ये जो साडा शरीर है पिंड, और ये अंदर जो प्राण हैं ये अल्लाह दे हन, राम दे हन। फिर उत्थे आप जी नूं खबर है, मौलविया ने कहा कि जे अल्लाह भी ओही है राम भी ओही है फिर साढ़े नाल नमाज अदा करो। मैं अर्ज कर दिया सी तीजे दिन तो मुराद है हुण मनुख पूर्ण तौर ते मर गया, मिट गया। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल हन कि जेड़ा मनुख डुब गया, पूर्ण तौर ते डुब गया, फिर वो मर गया, और जो मर गया वो फिर उबर गया, उबर गया। फिर उदी एक बहुत वड्डी ड्यूटी लगती है, केड़ी? उदाहरण मैं आप जी नूं दुनिया भी दवां। एक संत कहिंदा मैं किसी दे घर ठहरिया होया सी, कोई अमीर घराना सी। एक दिन गुजर गया, दूजा दिन गुजरिया, तो मैं उस घर दे मालिक नूं देखिया कि चेहरे ते थोड़ी जी मायूसी है, मायूसी। मैं उस नूं पुछ लिया आप जी दे चेहरे ते मायूसी क्यों है? वो कहिंदा संत जी मैं की दसां, मैं दसण जोगा नहीं हाँ। संत जी कहन लगे तेरे सारे गुनाह माफ, तू दस दे कि तू मेरे तो दुखी है कि संत जी कद जान तो मैं हुणे चला जाना, जा फिर कोई होर गल है तो मैनू दस। मैं गल शुरू की सी उत्थों, शराबी कहिंदा थोड़ी थोड़ी पीने विच कोई मजा नहीं है, जे पीनी है तो फिर जदों तक डिग ना जाइए है। मैं क्या बिल्कुल गल तेरी ठीक है, थोड़ी थोड़ी बंदगी विच भी उतना आनंद नहीं है, जे बंदगी करनी ही है तो फिर क्यों ना वो विच ही डुब जाइए, जे करनी है तो नशा चाहिदा, ये भी नशा है बंदगी दा। ते फिर वो मनुख कहिंदा है संत नूं, संत जी मैनू थोड़ी जी पीण दी आदत है, आप जी दे सामने किवें पीवां, दो दिन हो गए ने किवें पीवां? तो संत जी कहिंदा जे तेनों पीण दी आदत ही है जरूरी मैनू दसना सी, तो किधरे आसे पासे हो के पी लैंदा। ते ओ मनुख की कहिंदा है? कहिंदा संत जी ये भी कोई पीना है, इसनों पीना नहीं कहिंदे, जे पीना ही है तो क्यों ना महफिल विच बैठ के पीए। संत जी कहन लगे तो बिल्कुल ठीक है, जिसनों भी नाम रूपी अमृत मिलिया उसनों भी महफिल की लोड़ पैंदी है, लोड़ पैंदी। वो कहिंदा मैं अकेला नहीं पीवांगा नाम अमृत, मैनू महफिल चाहिदी है, और जिस महफिल विच तुसी बैठे हो इसनों इलाही महफिल कहिंदे ने, इलाही महफिल, सत संगत। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि इस राह ते तुरदियां तुरदियां किधरे तेरा पैर ना फिसल जाए। तो गाथा में शुरू कीती सी शराबी दी, जा रहा सी दूजे पासों संत भी आ रहा सी, दोनों दा मिलन हो गया। तो संत कहिंदा शराबी नू तो आज ज़्यादा शराब पी लीए, देखें कि ते डिग ना जाई, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पैर, ये छिटे पैणगे तेरे कपड़िया नूं, ध्यान रखी डिग ना जाई। तो शराबी की कहिंदा है? कहिंदा है मैं तां जे डिग भी पिया ते कपड़े धो लवांगा, ते जे कितरे तू डिग पिया फिर की होएगा, तो की तो की होएगा जे किधरे तू डिग पिया था? वो संत कहिंदा शराबी नूं रुक जा, कहिंदा पैरां ते मत्था टेकण दे मैनू पहलां तू,
मैंने एक नवी समझ मिली है, नवी सूझ मिली है। वाकई जे किधरे तू डिग पिया तां तू जाके कपड़े बदल देगा, जे किधरे मैं अपने मिशन तो डिग पिया तो फिर मेरा तो कम खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते ने, सच जाने कछ वैदियो ऐ मुसाफिर, तू कच्चा है। दुनिया के तमाम पदार्थ भी कच्चे हैं, पर तू की समझ बैठा है सच जाने कछ वैदियो ऐ मुसाफिर। तू आप भी कच्चा है, दुनिया के तमाम पदार्थ भी कच्चे हैं, पर तू इसनों सच समझ के बैठा हुआ है। और सच समझ के तू आघू आघे सलवे, तेरे अंदर इतनी दौड़ प्रबल है, होर भी इकट्ठा कर लवा, होर भी इकट्ठा कर लवा, होर भी इकट्ठा कर लवा। तू आघू आघे सलवे, दौड़ता ही रहता है। और इसी दौड़ दे विच मनुख भुल जाता है कि किसी मुकाम ते आके पड़ाव ते आके किधरे गल खत्म ना हो जाए। मैनू हुणे एक छोटी जी खबर मिली, बच्चे मैनू दस रहे सी कि जिन्हां तों असी सौदा लैंदे हाँ दुकानदार तों, उहदा एक बेटा ते एक बेटी, बेटा 24 साल दा, बेटी उस तों वड्डी, पढ़न वास्ते गए ने आस्ट्रेलिया। कितनी खुशी होवेगी पिता नूं, कितनी खुशी होवेगी मां नूं। ते एक महीना पहला बापू कहिंदा मैं जाना है पुत्तर नूं मिलण वास्ते। 7 दिन पहला खबर आ गई एक्सीडेंट विच बच्चा पूरा हो गया। इधर दी चांदनगर दी गल है, 24 साल दा बच्चा। हुण की गुजरेगी बापू ते की गुजरेगी मां ते। पर जिहड़े नाम जपण वाले हुंदे ने ओ एक गल चेते रखदे ने कि इह संसार सगल है सुपना। जिहड़े नाम जपण वाले, मैनूं एक गल चेते आ गई, मैं कहा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 4 पुत्तर कोई 4-5 दिनां दे विचकार विचकार चारों ही पूरे हो गए सी, 4 दिनां दे विचकार। तो मैं किसी ने सवाल किया, ज्ञानी जी नाम जपण के नाल दुख टल जाते ने? मैं क्या दुख नहीं टलते, पर मनुख नूं शक्ति मिलती है दुख नूं झेलण दी, ताकत मिलती है। बाकी तां जन्म मरण हमरे वस नहीं, किसी दे भी हथ विच नहीं है। जोर ना जीवन मरण ना जोर, ना जीण दे विच साडा कोई जोर है, ना मरन विच साडा कोई जोर है। तो साहिब कहिंदे ने सच जाने कच वैदियो तू आघू आघे सलवे। होर भजदा है, होर चाहीदा है, होर चाहीदा है, पर एक गल चेते रख, नानक आत सड़ी मंझ नैणू। आत सड़ी कहिंदे ने अग नूं, मंझ कहिंदे ने विच, नैणू कहिंदे ने मक्खण। हुण मक्खण नूं अग दे विच कितनी देर तक आप जी बचा सकदे हो? उसने पिघलना ही पिघलना है। साडा जीवन इस तरह समझ लवो मक्खण है, और जगत एक अग है। बिया दूजा उदाहरण होर दिता है, ढल पबण ज्यों जुम्मी हो। पबण कहिंदे ने चौपती, जिवें पानी टल गया तो वह चौपत्ती सुक गई देखदियाँ देखदियाँ। जदों तक पानी सी उदों तक हरी भरी, पानी जिवें ही थले होया वह भी खत्म। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहिंदे ने, भोरे भोरे रूहड़े। भोरे कहिंदे ने भोला, भोला बाला। रूहड़े कहिंदे ने रूह नूं,
ऐ भोली भाली जिंदड़ी सेवें दे आलक आलक कहिंदे ने आलस जदों नाम जपना होवे सिमरन करना होवे संगत करनी होवे ते तू बड़ा आलसी हो जांदा है। ये हकीकत है। मन कहिंदा है अज बंदगी नहीं की कल कर लवांगे अज संगत विच नहीं गए कोई गल नहीं कल कर लवांगे क्योंकि मन की जिहड़ी चलाकी है वो कई दफा मैं आप जी दे सामने उदाहरण रखदा हाँ। मनुख शाम वेले कहिंदा है मैं अमृत वेले उठांगा अलार्म भी लगाया ते जदों अमृत वेले दा वक्त होया तो मन की कहिंदा है। मन कहिंदा है जे बंदगी कल तो शुरू करिए तो की फर्क पएगा कुछ भी तो नहीं। मन कहिंदा है